और सारे माता पिता को भी मेरा हरे ओम। कक्षा 8 के बच्चों, ये है आपका हिंदी किताब बसंत भाग 3। आप कक्षा 7 में हिंदी बसंत भाग 2 पढ़े थे और आप पढ़ोगे बसंत भाग 3। तो बच्चों, आपको आप चिड़िया की आवाज सुने होंगे, अच्छा लगता है ना सुनने में, और बहुत सारे ड्रम की आवाज, बहुत सारे आवाज सुने होंगे, जैसे कि कोई गाने की आवाज, जैसे कि कोई थाली और चम्मच लेके बजाने की आवाज। कौन सा आवाज हमें पसंद आती है और कौन सी आवाज हमें बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता? तो ठीक है, तो चलो आज हम देखते हैं कि आपके पहला जो लेसन है, पहला जो पार्ट है वो है ध्वनि। उसका नाम ध्वनि है और ये एक कविता है। ठीक है, तो कविता जो लिखते हैं उसे हम कवि कहते हैं। तो ध्वनि कविता के कवि का नाम जो है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखो, यहाँ पे श्यामपट में मैं सारा शब्दार्थ लिखती हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में लिखो, अभ्यास करो। जो भी आपको नहीं पता है उस शब्द का अर्थ मैं श्यामपट में लिखी हूँ, इसको देख के अपने कॉपी में लिखो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलो हम जानते हैं कि ध्वनि ध्वनि क्या है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि चिड़िया की आवाज जो हमारे कानों तक वायु और जल के माध्यम से हमारे कानों तक जो आकर पहुंचता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का मतलब एक आवाज होता है, एक शब्द होता है। कौन सा शब्द हमें, कौन सा आवाज हमें पसंद आती है और कौन सा हमें नहीं पसंद, कौन कौन सा आवाज हमें पसंद भी नहीं आती है। ठीक है, तो जैसे कि ध्वनि एक है, सीधा हमारे कान तक वो आवाज आकर पहुंचता है और हम उसे देख नहीं पाते हैं। जो जिस शब्द का, जिस आवाज का कोई अर्थ ना हो ना, उसको हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो चलो कविता को शुरू करते हैं, अपनी किताब खोलो और देखो। ठीक है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गा, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहस सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इस कविता बहुत सुंदर है, इस कविता को लिखे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलो समझते हैं कि कविता में क्या है और कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। तो अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो ध्वनि कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज को, अंतर्मन की ध्वनि को दर्शाया गया है। ठीक है, तो कवि का कहना यह है कि कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, मेरा अभी शेष नहीं है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, कवि के जीवन रूपी वन में सुकुमार शिशु के भांति, सुकुमार शिशु के भांति बसंत का आगमन हुआ है। तो अभी ना होगा मेरा अंत, तो अभी कवि का अंत नहीं होगा। कवि ये कहते हैं कि अभी अभी उनके वन रूपी जीवन में, उनका जीवन को वन के साथ तुलना किया गया है, तो उनके वन रूपी जीवन में सुकुमार शिशु, छोटे से बालक के भांति, बालक की तरह उनके जीवन में बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गा, तो जैसे कि प्रकृति में बसंत ऋतु के आते ही चारों ओर खिलखिला जाता है, हरियाली दिखाई देता है, डालियां कलियां अपने नाजुक से शरीर लेकर खिलखिलाते रहते हैं, चारों ओर हमें अच्छा अच्छा दिखाई देता है, हरियाली नजर आता है। उसी तरह कवि के जीवन में भी अभी बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, उनके जीवन में चारों ओर हरियाली छा गई है, इसीलिए कवि अभी उनका जीवन, उनके जीवन का अंत करना नहीं चाहते हैं और इसीलिए कवि कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत। मैं ही अपना
फेरोंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो कवि कहते हैं कि मैं अपने स्वप्न भरी हाथों को लेकर वो सारे निंद्रित कलियों पर फेराना चाहता हूँ और उनको निंद्रित कलियों पर अपने हाथ फेरा कर उन्हें प्रभात होने का संदेश देना चाहता हूँ। उनको ये बताना चाहता हूँ कि अभी सुबह हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपना जीवन, उनके जीवन में भी वो चारों ओर हरियाली छा देना चाहते हैं। वो भी अपने जो स्वप्न भरे हाथ है उसको अपने अपने जीवन के ऊपर लागू करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो अच्छा और वो नए काम करें, अच्छा काम करें और नए कामों की ओर अग्रसर होए, आगे बढ़े नए काम करने के लिए और वो अपना नाम रोशन करे अच्छे काम करके। ठीक है, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहस सींच दूंगा मैं। तो सारे एक एक पुष्प से, एक एक निंद्रित, एक एक आलस्य अलसाई पुष्प से, फूल से नींद और आलस्य त्याग कर दूंगा मैं, उनको छीन लूंगा, दूर भगा दूंगा उनके नींद और आलस्य को। हाँ, अपने नव जीवन का, वो अपने जीवन रूपी अमृत से अमृत सींच कर, मतलब जीवन रूपी अमृत वो उस सारे कलियों पर डालकर वो उनको सुस्त चुस्त और जागरूक बनाना चाहते हैं, ताकि वो हमेशा के लिए खिलखिलाते रहे, हमेशा के लिए जागरूक होके रहे, कभी भी मुरझाए ना। ठीक है, तो यहाँ पर वो कभी अपने जीवन के बारे में ये बता रहे हैं कि वो उनके जो जीवन में दुख दुर्दशा, जो भी कुछ खराबी है, जो भी कुछ बुराइयां हैं, उस सबको वो इस कलियों की तरह उनको अपने जीवन रूपी अमृत से सींच कर उन सारे दुख दर्द सबको मिटा कर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नए काम की ओर अग्रसर होके उसको एक नया रास्ता दिखाना चाहते और अपना नाम रोशन करना चाहते कुछ अच्छा करके। ठीक है, तो द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत। द्वार दिखा दूंगा, जो भी कठिनाइयां हैं, बुराइयां हैं, आलस्य है, जो भी कुछ खराबियां हैं, सबको मैं द्वार दिखा देना चाहता हूँ, मतलब सबको मैं बाहर फेंक देना चाहता हूँ। कभी ऐसे कहते हैं कि सबको मैं बाहर फेंक कर अपने जीवन को एक सुंदर सा बनाना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छा जीवन बनाना चाहता हूँ। जैसे कि कवि ने कहा, चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो, जैसे कि प्रकृति में बसंत के आने से चारों ओर हरियाली छा जाता है, उसी तरह कभी अपने जीवन में बसंत ऋतु को लाकर चारों ओर उनके जीवन में जो भी कष्ट दुख दर्द दुर्दशा है उसको मिटाकर हरियाली कर देना चाहते हैं। है मेरे वे जहां अनंत, वो अपने अनंत, जो जिसका देखो यहाँ पर जो कभी समाप्त ना हो वो है अनंत। तो जो वो कभी कहते हैं कि वो उनके जो जीवन है उसको वो अपने अनंत के साथ सप्राण भेंट करना चाहते हैं, वो अपने अनंत के साथ भेंट करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। और जैसे कि सारे आलस्य लोग हैं, सारे गंदा लोग हैं, उन सबको अच्छा करना चाहते हैं। और अभी ना होगा मेरा अंत, अभी मुझे बहुत सारे काम करना है। कौन कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि अभी उन्हें बहुत सारा काम करना है और उनके जीवन में इतना काम भरा हुआ है कि अभी उनका अंत नहीं हो सकता, उनको उनके पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और वो सारे काम को करके सप्राण अपने प्राणों के साथ ही वो अपने अनंत के साथ भेंट करना चाहते हैं। तो इसीलिए कवि अपने जीवन के साथ यहाँ पर प्रकृति के बसंत ऋतु के साथ अपने जीवन का तुलना किए हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको शब्दार्थ को देखो और कविता को अभ्यास करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरिओम।